एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे और इवनिंग में कुछ फ्रेंड आ रहे हैं हमारे यहाँ, छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी है क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आफ्टर 2 डेज। वीकडे में है इसीलिए वीकेंड में ही पार्टी कर रहे हैं फ्रेंड लोगों के साथ, तो इसीलिए स्पेशल डिनर बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे दही बड़े बनाने के लिए मैं उड़द दाल को ओवरनाइट सोक कर ली थी और उसको अभी ग्राइंड भी कर ली हूँ, और उसमें बस मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और फिर उसको अच्छे से बीट कर लूँगी। इससे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पे मैं बैटर को करीबन 5 मिनट तक बीट कर ली हूँ और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्लफी हो गया है। और फिर बड़े को हम डीप फ्राई कर लेंगे। बड़े बनाने से पहले हाथ को थोड़ा ऐसे वाटर में डिप कर लेंगे, उससे बैटर हैंड में स्टिक नहीं होता। और फिर आप जैसे चाहे वैसे शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड सर्कल शेप में बना रही हूँ। फिर उसको अच्छे से डीप फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और फिर हम उसको निकाल के गर्म पानी में ऐड कर देंगे ताकि बड़ा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और जो उसमें एक्सेस ऑयल रहता है वो भी निकल जाएगा। और फिर हमें बड़े को एटलीस्ट 30 मिनट्स to 1 आवर सोक करके रखना है पानी में। और फिर ये साइड में मैं बना रही हूँ राइस खीर जो कि करीबन 45 मिनट से वो पक रहा है बॉइल्ड होके, तो अभी वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। उसमें मैं अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी चिकन 65 बिरयानी जो लास्ट टाइम मैं बनाई थी तो बहुत ही अच्छा बना था, तो इस सोची कि इस बार फ्रेंड्स लोगों के लिए बनाऊँ। और उसका रेसिपी है पहले से, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं खीर भी बन के रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारे दही ली हूँ, उसमें मैं वाटर ऐड कर लूँगी और दही को मैं मीडियम कंसिस्टेंसी में रख रही हूँ, ज़्यादा थिन नहीं कि पूरा थिक भी नहीं, आपको जैसे चाहे आप उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर उसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, लिटिल शुगर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट। फिर इसमें आप सारे बड़े को ऐड कर देंगे। बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं तो उसको धीरे से सॉफ्टली प्रेस करके वाटर से निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा तड़का भी दे रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ ऑयल, ड्राई रेड चिली, सरसों, जीरा, करी लीव एंड लिटिल कोरिएंडर लीव। ऊपर से यहाँ गार्निश करने के लिए थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसको अभी हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 1 आवर ताकि जो दही का फ्लेवर है वो अच्छे से बड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर ऊपर से थोड़ा अनियन, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी एंड थोड़ा सा सेब ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो जरूर ट्राई करके बताना आपका कैसा बना था। मेरे फ्रेंड्स लोगों को तो बहुत ही पसंद आया, दही बड़े बहुत ही यम्मी, टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। What's it, Mitty? This is a square. Yeah, I see you. And where is the star? Can you make one star for mommy? Yeah. Well, you can put over here too. What is it? Good job. That's fine. Thank you.
This looks quite nice. Can you see another link? और यहाँ पे मैं एक एग करी बना रही हूँ। हमेशा मैं पटाटो ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार बस एक मसाला स्टाइल का बना रही हूँ जो कि रोटी और नान में खाने के लिए अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एग को मैं थोड़ा थोड़ा कट करके उसको ऑयल में थोड़ा टर्मरिक एंड रेड चिली पाउडर देके उसको एक दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सेम ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा जीरा एंड सारे होल स्पाइसेस, और फिर उसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन जो मैं थोड़ा ग्राइंड कर ली हूँ। इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे 4-5 मिनट तक, और फिर उसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन टर्मेरिक पाउडर एंड लिटिल रेड चिली पाउडर, और फिर ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। देन अगेन वो अच्छे से कुक हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड एग मसाला और चिकन करी मसाला एंड सॉल्ट एज फॉर टेस्ट, और इसे फिर 4-5 मिनट तक कुक होने देंगे जब तक कि ऑयल मसाले के ऊपर दिखने लगे, और फिर ऐड करेंगे लिटिल वाटर एंड लेट इट बॉइल फॉर ए मिनट और टू, एंड देन फ्राइड एग को ऐड कर लेंगे और फिर उसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम में थोड़ा 4-5 मिनट तक कुक होने देंगे। देन ऐड करेंगे 2-3 स्पून योगर्ट एंड लिटिल ड्राई फेनोग्रिक लीव्स यानी कस्तूरी मेथी एंड कुक फॉर अनदर 5 मिनट, और एट द एंड ऐड करेंगे लिटिल गरम मसाला एंड कोरिएंडर लीव्स एंड इट्स डन। Today's video. If you like any of this recipe, then do try and let me know how you like them or not.
And if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching and see you in my next video. Till then, bye bye.